मोटिव था कि वो उसके साथ शादी करना चाहता था, और चूंकि महिला ने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे उससे, तो उसने उसको मार। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम है आदित्य। देखिए, मुजफ्फरपुर में शादी करने से किया मना तो अपराधियों ने कर दी हत्या। जी हाँ, आपने सही सुना, यह कोई कहावत नहीं, यह मुजफ्फरपुर की घटना है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पे बीते दिन अपराधियों ने एक युवती को हत्या कर बोरा में कस बीच शहर के चौराहे पर फेंक दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन भी कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। उसको करीब 5 बजे के आसपास एक हॉस्पिटल चौक पर एक बॉडी मिली थी, जिसको बाद में पता चला था कि एक बाइक सवार व्यक्ति आता है, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, और उन्होंने उस सबको वहाँ पर डंप कर दिया, छोड़ दिया था। उसके बाद ही घटना की जांच में पुलिस जुट गई और जांच के क्रम में विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। पूर्व में इस तरह का जो अगर किसी ने अपराध किया हो, मोडस ऑपरेंडी, उसको भी चेक किया गया था। तो फिर हम फाइनली विद इन 24 आवर्स में हम एक्यूज तक पहुँच गए। इसमें दो मुख्य अपराधी हैं। मुख्य अपराधी पहला है अमित उर्फ सोनू, सन ऑफ बालकृष्ण अग्रवाल, जो PNT कॉलोनी का रहने वाला है, और दूसरा सह अपराधी रंजन कुमार, सन ऑफ लाल बाबू साह, जो बंगरा वंशीधर थाना कुड़नी का रहने वाला है। मोटिव था कि वो उसके साथ शादी करना चाहता था, और चूंकि महिला ने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे उससे, तो उसने उसको मार दिया, और मारने के पश्चात अब उन्हें लगा कि हम फंस जाएंगे, तो उनको बॉडी को डंप करना था कहीं पर, सुरक्षित जगह पर लगाना था। तब उसने अब दूसरे सह अपराधी रंजन कुमार की मदद ली, और रंजन और दोनों ने मिलकर बॉडी को पैक किया उसमें कम्बल में, उसको वाइंड किया, और फिर उसको बाइक पे लेके आए। बाइक पे लेने के पश्चात रात्रि को 1 बजे के आसपास उन्होंने उसको मोतीपुर जो ब्रिज है उसके पास फेंक दिया। दोनों में प्रेम संबंध था या एक तरफा प्रेम का ये परिणाम? नहीं, कोई प्रेम संबंध दोनों में नहीं था। महिला प्रथम बार उससे मिली थी, रेलवे स्टेशन पर महिला आई थी कहीं से, उसकी जाँच में भी पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि अभी बहुत कम हुआ है घटना को, तो उसकी भी शिनाख्त की जा रही है। तो उसके साथ कोई उसका प्रेम संबंध नहीं था, उसने मौके का फ़ायदा उठाया कि कोई अज्ञात उस अवस्था में महिला आई है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरी है, तो उसका फ़ायदा उठा कर उसने उसको अपने पास बुलाया और उसको बैला फुसला के वो अपने उसके मकान तक ले गया। क्या हुआ, महिला इनको गुरुवार को मिली थी, गुरुवार को। महिला की पहचान की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपके माध्यम से भी हमने, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, और उनका फ़ोटो लगा के हमने उसकी शिनाख्त के लिए बोला है कि अगर कोई भी पहचानता है उसको इनाम भी दिया जाएगा। अब चूंकि 72 आवर्स भी नहीं निकले हैं, तो एक प्रोसेस होता है उसके तहत भी उसकी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी को भी रखा गया है। आपराधिक इतिहास दोनों का खंगाला जा रहा है अभी, चूंकि घटना तुरंत हुई, तुरंत ही पुलिस ने उसका उद्भेदन कर लिया, तो अभी बाकी के बिंदुओं पर भी जाँच चल रही है, और भी उसमें सेक्शन परिवर्तित हो सकते हैं, धाराएं घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं उसमें। तो आपने सुना टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह क्या कुछ कर रहे थे। वही आपको बता दें कि बीते दिन एक युवती को नगर थाने क्षेत्र के स्टेशन रोड के समीप में हत्या कर उसको कंबल में बांध जो है बीच चौराहे पर फेंक दिया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वही इस घटना के बाद पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर लगातार कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले के सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें साफ साफ पुलिस का कहना है कि ये लोग जो है शादी करने एक महिला से मिले थे, उस महिला को जो है शादी करने पर दबाव बनाया जाता, जब महिला मना कर दी तो उनकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए जो है दूसरे को पैसा देकर बुलाए थे, जिसमें वो व्यक्ति को पहले एडवांस भी कर दिया गया था, जिसके बाद काम होने के बाद पूरा पैसा देने का वादा किया गया था, लेकिन पुलिस जो है अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, अब जेल भेजने की कवायद की जा रही है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते हैं ये फर्स्ट लुक बिहार।